खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी विधानसभा में बुधवार को दुल्हरा विकास यात्रा की शुरुआत हुई, जहां विकास यात्रा के चौथे दिन राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के मुख्य अतिथि एवं पोहरी मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, जनपद अध्यक्ष रामकली आदिवासी, जनपद अध्यक्ष मुन्नालाल रावत की मौजूदगी में लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही ग्रामीण जनों की जनसमस्या सुनी और उनका निराकरण किया। ग्राम पंचायत दुल्हरा भटनावर मालवरवे मकलीझरा एसवाया डांग वरवे में सीसी सड़क चेक डैम तालाब जीर्णोद्वार का भूमि पूजन किया गया तथा हितग्राहियों को हित लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज विकास यात्रा का चौथा दिन है भाई साहब, और लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। भटनावर पहुंचे हैं, क्या कुछ सौगात दी है और क्या कुछ इस यात्रा में मिला? भाई हमारे मध्य प्रदेश सरकार का विकास यात्रा का चौथा दिन है। हम सरकार की योजनाओं को गांव में जाके घर घर जाके एक एक व्यक्ति को अवगत करा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हमारे भाग के 34 योजना है। ऐसा कोई घर तो नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है कि उस योजना का लाभ उसको नहीं मिल पा रहा होगा। हम जाके पता करते हैं और जो भी समस्या हमारे सामने आती है तत्काल मौके पर हम उसका निदान करते हैं, समस्या को हम सुलटाते हैं। सारे अधिकारी हमारे साथ चलते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सम्मेलनों में जा रहा है और एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी जवाबदारी को निभाते हुए, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सारे लोग अपनी अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। और जब यात्रा हम जाते हैं तो पहले जाते तो इतनी शिकायतें वो मिलती थी, अब सारे अधिकारियों ने 8 दिन से भ्रमण पे हैं, सभी कर्मचारी भ्रमण पे हैं, ना के बराबर शिकायतें हमको मिल रही हैं। यात्रा से हमको बहुत बड़ा लाभ, हमको